अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ए डॉट ट्रेवल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपका दोस्त आपका भाई एकदम ठीक ठाक है। तो आज मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में, ताज कॉम्प्लेक्स, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल मूवर्स के बस टर्मिनल पर। और मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं फैसल मूवर्स की एग्जीक्यूटिव क्लास ये बस खड़ी हुई है, और इसका जो रूट है कराची से इस्लामाबाद के लिए ये जाती है। और आज हम इस बस का जो है रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बस में पैसेंजर के लिए क्या क्या सहूलियात है, इसका किराया कितना है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, खाना पीना वगैरह, और बस के अंदर क्या क्या सहूलियात है। और बहुत शानदार ये बस है, तो चलते हैं इस बस का करते हैं रिव्यू। और रिव्यू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आइए मेरे साथ। तो चलते हैं अंदर और बस का अंदर से आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं बस के अंदर, और बस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी लग्जरी बस है। और बेसिकली ये जो है एग्जीक्यूटिव क्लास बस है, 2x2 इसकी सीट है। और इसके अलावा मैं आपको सीट के ऊपर बैठकर भी दिखा देता हूँ कि ये कितनी कंफर्ट के लिहाज से कैसी है। तो मैं बैठता हूँ, तो सीट तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और कंफर्ट के लिहाज से भी ठीक है। और ये पीछे हो जाती है सीट, ये देखें आप, यहाँ से पीछे भी हो जाती है सीट, और काफ़ी कंफर्ट है। आप लेट कर भी और आराम से जा सकते हैं बस के लिए। और इसमें आप सहूलियात में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर LCD भी लगी हुई है, और इसके अलावा LCD भी लगी हुई है, और यहाँ पर AC की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, फैसल मोड्स की AC वगैरह यहाँ पर चल रहा है, और AC की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कूलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। तो LCD भी यहाँ पर तमाम सीटों के पीछे यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं बस के बारे में, तो ये सुबह 8 बजे के बाद से हर एक घंटे के बाद यहाँ पर बसें निकलती हैं। और इस बस का जो टाइम है कराची से इस्लामाबाद का, 18 घंटे और 30 मिनट में ये बस आराम से पहुँच जाती है, और तकरीबन 3 से 4 ये स्टॉप करती है, सखर है, मोरो है, हैदराबाद है और मुल्तान, ये 4 स्टॉप करती है। इसके बाद इस्लामाबाद जाके ये अपना जो है आखिरी स्टॉप करती है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर किराया बता देता हूँ, किराया इसका है 6,300 रुपये इसका किराया है, और एक टाइम का खाना है, और नाश्ता वगैरह भी दिया जाता है भाई, हाँ नाश्ता भी दिया जाता है, एक टाइम का खाना भी दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है, और सिक्योरिटी कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं। तो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, काफ़ी ये लग्जरी बस है और एग्जीक्यूटिव क्लास है, ठीक है। अच्छा, बस का थोड़ा सा ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ, और व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है बस का, और काफ़ी लग्जरी बस है, और सहूलत के लिहाज से और पैसेंजर के लिए काफ़ी सहूलियात यहाँ पर अवेलेबल है, और सारी जो है कंफर्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, AC की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और अच्छा, इसके अलावा सीट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 31, 32 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जो है सामान वगैरह रखने की भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, और सर्विस भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची और कराची से लाहौर, काफ़ी सारी इनकी बसें यहां पर चलती हैं, और स्लीपर बसें भी इनकी चलती हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं स्लीपर बस जो है फैसल मूवर्स की, उसकी भी मैं वीडियो आप बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जब भी मौका मिले आपको कराची से इस्लामाबाद जाने का, तो आप फैसल मूवर्स में ज़रूर सफ़र करें, बहुत ज़बरदस्त लग्जरी बस है। किराया मैंने आपको बताया 6,300 रुपये इसका किराया है। इसके अलावा जो है 4 स्टॉप करती है, सखर, मोरो, हैदराबाद और मुल्तान, तो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो अभी जो है
वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।